देश की राजधानी दिल्ली और NCR में शुक्रवार शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश जारी रहेगी। इससे पहले मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ फरीदाबाद, नोएडा ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, बुलंदशहर के आसपास क्षेत्रों में 20 से 40 किलोमीटर घंटे की गति से हवा चलने के साथ मध्यम से बारिश की संभावना बताई है। जबकि दिल्ली NCR और UP के अलावा आज यानी 11 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और गुजरात के हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 10 दिनों तक होगी बारिश। मौसम परिस्थितियों में हो रहे बदलाव और हिंद महासागरों में दो मौसमी परिस्थितियों के सक्रिय होने का असर है। दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जुलाई अगस्त में होने वाली बारिश सितंबर माह में खूब देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय मौसम पूर्व अनुमान केंद्र मानते हैं कि अभी 10 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसमी परिस्थितियों में लगातार बदलाव की जगह 16 सितंबर से दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में बारिश की उम्मीद बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।